उज्जवल निकम साहब, मैं आपकी राय इस पर जानना चाहूंगी, क्या है ये एक अलग मामला है जिसमें नवाब मलिक रोज सुबह उठते हैं, उनका एक नया कोई ना कोई एफिडेविट, बर्थ सर्टिफिकेट डाल रहे हैं, उनके क्रेडेंशियल्स पर सवाल है और उसका सच तो सामने आना ही चाहिए, लेकिन क्या इससे जांच भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है? क्योंकि अब जो एलिगेशन है उसके बाद एक विजिलेंस इंक्वायरी भी बैठ गई है समीर वांकटे से, पर ये पूरा केस आप किस तरह से जाते देख रहे हैं, पॉलिटिकल हो रहा है? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं दुख से ये बात जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार आरोप प्रत्यारोप हो रहे इस मैटर में, जांच एक अलग तरह से भटकती जा रही है। मैं मानता हूं कि जो भी लोग आरोप करते हैं उस आरोप में कुछ सब्सटेंस भी हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल ये है अगर आरोप हो रहे हैं तो आरोप के लिए कौन सा प्रॉपर ये होगा, फोरम होगा कि जिसमें रेक्टिफाई किया जाता है, जिसमें ग्रीवेंस मान सकते हैं? क्या मीडिया यही एक दरिया है? देखिए, ये जांच इससे जरूर प्रभावित होता है। मैं कोई सियासत की बात नहीं करूंगा, ना मुझे करना ही चाहिए, लेकिन एक कानून का विद्यार्थी की हैसियत से प्रियंका भी समझ सकती है कि विधि कानून के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि इस प्रकार आरोप प्रत्यारोप से, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो चाहे जांच अधिकारी हो, जो पर्सनल अटैक कर रहे, मुझे लगता है कि इससे जांच पर एक बुरा असर हो सकता है। देखिए, आज कई दिनों से जांच भटक रही है। देखिए, जांच अधिकारी की अगर उसमें अपने सब्सटेंस है तो इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन इस तरह से पब्लिकली आरोप होना और उस तरह से जांच अधिकारी ने पब्लिकली मीडिया के पास जाके उस आरोपों को जवाब देना, मुझे लगता है कि ये पर्सनल मैटर हो गया है। और इस तरह से पर्सनल मैटर से, टिका टिप्पणी से सबने बचना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं, क्योंकि एक बॉलीवुड से मैटर जुड़ा हुआ है, एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और इसलिए अगर ये होता है तो मुझे लगता है कि सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इसमें इंटरफेयर किया जाए। जांच अधिकारी के खिलाफ अगर जांच आरोप गंभीर आरोप है तो उसे जांच से थोड़ा टाइम दूर रख सकते हैं, दूसरा जांच अधिकारी भी नियम सकता है, ताकि किसी को ग्रीवेंस नहीं हो सकता है। अगर ये नहीं होता है तो मुझे लगता है कि न्यायालय ने भी जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर इसमें खुद कॉग्निजेंस भी लेना चाहिए ताकि जांच किसी ने प्रभावित हो। प्रियंका जी, इस पर आपका जवाब? वो कह रहे हैं कि जांच प्रभावित हो रहा है और वो दिख रहा है। दूसरी तरफ मेरा बीजेपी के जो मीडिया सेल के अमित मालवीय, अच्छा, उन्होंने ट्वीट किया है कि चूंकि उनके फैमिली मेंबर को टारगेट किया जा रहा है ड्रग्स की वजह से, इसलिए नवाब मलिक ने पर्सनल एजेंडा बना लिया है समीर वांकड़े के खिलाफ। अगर पर्सनल एजेंडा भी आप देख लीजिए, और एक तो सबसे पहले उनके परिवार में जिसको भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किसी तरीके से चार्जशीट भी नहीं प्रूव हुई है, वही है जो हाल डेढ़ साल पहले इंडिविजुअल हाई प्रोफाइल केसेस का हो रहा था। आप उज्जवल जी बोल रहे हैं कि ये मीडिया पे आकर नहीं बोलना चाहिए, आई टोटली अग्री विद हिम। व्हाट्सएप चैट लीक हो जाती हैं, व्हाट्सएप चैट के माध्यम से पूरा केस बन जाता है, इम्मा बाउंस हो जाता है बाउंस चेक, 59 ग्राम्स ऑफ कोकेन का डिस्कशन हो जाता है कि कंज्यूम भी कर लिया, पोजेशन में भी था, ये व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन, ये लीक कौन कर रहा है? कल पूरा दिन आपके चैनल पे चल रहा था अनन्या पांडे और आर्यन खान की जो कॉन्वर्जेशन चल रही थी, आज बकायदा हाई कोर्ट में एक जो अक्यूज है उन्होंने दलील दी है कि ये कोई भी हाई कोर्ट में पेश नहीं किए गए हैं एज एविडेंस। तो यहाँ पर जो चल रहा है पब्लिकली, बार बार पब्लिक का हवाला दे रहे हैं कि पब्लिकली नहीं डिस्कशन होना चाहिए, अगर कहीं भी गलत है आप बर्थ सर्टिफिकेट से ले लीजिए, निकाह नामा से ले लीजिए। आई थिंक समीर वानखेड़े पे एनसीबी ने खुद ने एक जांच बिठाई है, और अगर उनकी फैमिली के साथ कोई डेफिमेशन हो रहा है, कोई गलत झूठे आरोप लग रहे हैं, बकायदा उनको कोर्ट में जाना चाहिए और सुओ मोटो इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। सवाल बस ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक ही रहे हैं इन सारे हाई प्रोफाइल केसेस में, और अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आज तक एक चार्जशीट इन लोगों के ऊपर नहीं दाखिल कर पाए, सिर्फ मीडिया के माध्यम से अपना केस बिल्ड कर पाए, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है। और जवाबदेही सिर्फ इस ऑफिसर की बात नहीं है, जवाबदेही देश को देने की बात है कि एनसीबी बॉडी जो ड्रग माफिया को कॉन्कर करना है, ड्रग माफिया को खत्म करना है, अगर वो एक चार्जशीट भी नहीं फाइल कर पा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, उस कमियों को एड्रेस करो। ठीक है, मीडिया माध्यम बनी है किसके लिए, शुरुआत कहां से हुई, माध्यम किसके लिए बनी?